अभी हम खड़े हैं हमीरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर अमरोह चौक में, और यहाँ पे जसकोट मंदिर है जो महादेव का काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे जो आज भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया गया है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं जसकोट मंदिर नौण में जो हमीरपुर में स्थित है, और यहाँ पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर जो है मेरे द्वारा डाले गए धार्मिक मंदिरों के वीडियो ब्लॉग आपको मिलते रहे। तो चलिए अब जल्दी से जो आपको मंदिर में ले चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, सुबह से जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे जो है श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और जसकोट मंदिर में जो है श्रद्धालु लगातार जो है कतारबद्ध खड़े होकर जो है अपनी बारी के इंतजार में है। आइए अब आपको जो है जल्दी मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। यह मंदिर जो है पांडवों के समय का प्राचीन सी मंदिर है, और आई बटन में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जो है आप मंदिर के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। आइए मैं अब आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ। श्रद्धालु जो है सुबह से जो है कतारों में खड़े होकर जो है भगवान श्री भोलेनाथ को जो है पानी अर्पित कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है भगवान की पिंडी है, देख सकते हैं आप। यह मंदिर जो है पांडवों के समय का है और काफी प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, और यहाँ पर जो है हवन की विधि इत्यादि जो है श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है, और साथ में जो है यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की है, ये देख सकते हैं आप। मंदिर में जो है हर साल जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भंडारे का और साथ ही जागरण का आयोजन किया जाता है, ये देख सकते हैं आप। और मंदिर के नीचे की ओर जो है विशाल कुंड है, और इसमें जो है काफ़ी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, देख सकते हैं आप, और काफ़ी सुंदर मंदिर है। जब भी आप हिमाचल घूमने आए तो हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में जरूर घूमें, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी विशाल मंदिर है। ये जसकोट मंदिर के पुजारी हैं, और ये देख सकते हैं आप, अपनी पूजा में लीन है। आइए अब आपको भंडारे की ओर लिए चलते हैं, जहाँ पर जो है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह से जो है सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है
भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए जो है फलाहार का इंतजाम किया गया है। देख सकते हैं आप, और ये हमारे खान साहब में है जो सुबह से जो है मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाने में जुटे हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है, देख सकते हैं, और साथ साथ में जो श्रद्धालुओं को खिलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ के शिवरात्रि के उपलक्ष में जो है जागरण का आयोजन किया गया, और ये जागरण की टीम जो है लगातार श्रद्धालुओं के लिए जो है माता रानी की भेंटें गाकर जो है उनका मनोरंजन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जागरण के लिए जो है बैठे हुए हैं, और ये गायक कलाकार जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है गाने गा रहे हैं। देख सकते हैं आप, किया गया और इसे घोटा बोलते हैं, और यहाँ पर जो है घोटे का भी प्रबंध किया गया है, देख सकते हैं आप। अरे भाई साहब है और इन्हें प्रचार मंत्री बोला जाता है और मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, और काफी मुस्तैदी से जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम करते हैं, और देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है घोटे का इंतजाम किया गया है वो इनकी देखरेख में बन रहा है।
इनका नाम चमकौर सिंह है और अब आप जो भी यहाँ पर दान वगैरह देना चाहें तो इनके पास दे सकते हैं और ये मंदिर कमेटी के प्रधान है। आप अभी सुंदर झांकियों का यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है और ये देख सकते हैं नंदी और भगवान भोलेनाथ जो है अभी पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं। बताए सब दे दिलवा, बताए सब दे दिलवा, हमारे नौ सब दे, ये आखिर माँ ये भगवी, ये दाने
हमने भी जो अब भगवान भोलेनाथ का जो प्रसाद जिसे घोटा बोलते हैं और उसका लुत्फ ले रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से जो आज जसकोट मंदिर में जो है भंडारे का आयोजन किया गया था महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, और साथ में जो यहाँ पर जागरण का भी आयोजन किया गया था और सभी भक्तजनों जो है काफ़ी यहाँ पर एंजॉय किया। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर लें तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि इस तरह के धार्मिक ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय भोले शंकर।